हेलो। हाँ निशा बोल। हाँ तूने बताया तो था क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्या सच में? एक सेकंड। तेरे कहने का मतलब है कि जिस बैंक का तू क्रेडिट कार्ड यूज कर रही है 2 लाख की लिमिट प्रोवाइड कर रहे हैं। देख तू कोई मजाक तो नहीं कर रही ना? तू सच बोल, झूठ तो नहीं है ना? चल तो एक काम कर, तू मेरे को ना जल्दी से बता दे कि तेरा कौन सा बैंक है, मैं भी फटाफट से अप्लाई कर देती हूँ। और बाकी का तो तेरे को पता ही है, मेरे को कितना शौक है यार शॉपिंग वगैरह का। मैं तो सब कुछ खरीद लूँगी जो भी मेरे को चाहिए। हाँ तो मुझे बता दे। अरे मैडम, हमने गरीब लोगों को ना करोड़पति बना दिया, लखपति को भी करोड़पति बना दिया, तो आप कोई टेंशन ले रहे हो? देख लेना, आपको भी हम ऐसे करोड़पति बना देंगे। देखो भैया, मेरे पैसे तो डबल हो जाएंगे ना, जैसे मुझे मिसेस शर्मा जी ने बताया था ना, मैं वैसे ही चल रही हूँ उनके कहने पे। और आपको पता है, मेरे पति को जब मैंने बताया ना इस स्कीम के बारे में, वो तो मान ही नहीं रहे थे। कह रहे कि भाई पैसे ऐसे लेके भग जाएंगे, मैं नहीं लगाने वाला मैं फालतू की चीज़ों में पैसे। अरे मैडम, आप ये चीज़ है ना, अपने पति से डिस्कस मत करा करो, इस मामले में ना उनका दिमाग नहीं चलता। सही कह रहे हो, वो तो समझते ही नहीं कि मैं इस घर के लिए तो कर रही हूँ। चलो आप ये सारी बातें छोड़ो, मैं अभी आपको 1000 दे रही हूँ, अगले 10 दिन में मेरे पैसे डबल तो हो जाएंगे ना। अरे मैडम, डबल का मतलब क्या होता है? डबल ही होता है ना। अब आपने 1000 रुपये दिए, आपको 10 दिन में 2000 रुपये मिलेंगे, आप टेंशन मत लो। चलो भैया ठीक है, ये भी अच्छा है। तो आप मुझे 10 दिन बाद मिलना, ठीक है, मेरे 2000 रुपये लेके। ठीक है, चलो फिर मैं चलता हूँ। ये लो मैडम जी, पहले आप अपना मुनाफा पकड़ो, 1000 के 2000 रुपये। अरे वाह भैया जी, मतलब मिसेस शर्मा जी सही कह रही थी कि आप सच में पैसे डबल करके देते हो, मेरे 1000 के 2000 हो गए, मतलब मैं तो घर बैठे बैठे पैसे कमा सकती हूँ। फायदा है, जब तो इतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यहाँ तक कि ये छोड़ो मेरा पैसा, मेरी बीवी ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसमें। बस पूछो मत, हमारा जितना भी फायदा है सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है, यकीन नहीं मानोगे आप। भैया जी फिर तो आप तो कितने पैसे कमाते होगे। सही है भैया जी, अच्छा खासा कमा रहे हो आप तो। मैडम जी, अब की बार आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? दिल खोल कर इन्वेस्टमेंट करना, ये 1000-2000 रुपये से कुछ नहीं होता। जबकि मिसेस शर्मा जी है ना, वो डिस्कस मत करना, सीक्रेट है। 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रही हैं। सोचो 10 लाख के 20 लाख, यानी कि 10 लाख रुपये फायदा। अब आप बताओ आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? चुप्पी रिश्ते निकले मिसेस शर्मा जी, तो बोल रही थी कि मैं छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करती हूँ, और अब सीधा 10 लाख रुपये इन्वेस्ट कर लिया है। तेज है बड़ी। छोड़ो भैया जी, आप एक काम करो, 2000 तो आपने मुझे दिए, मैं 1000 डाल के दे रही हूँ अभी, आप 3000 रख लो, 10 दिन बाद ना मुझे 6000 करके वापस देना, ठीक है? अरे अरे कोई बात नहीं, लो मैं लिख देता हूँ, 3000 रुपये इन्वेस्टमेंट, अगले 10 दिन बाद 6000 रुपये। ठीक है भैया जी, मिलते फिर 10 दिन बाद। ये लो मैडम जी, आपके 3000 के 6000 रुपये। अरे वाह भैया जी, मुझे लगता है कि ना मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगी, और ऐसा ना हो जाए कि मिसेस शर्मा जी से ही मैं ज़्यादा आगे निकल जाऊं। अच्छा मैडम जी, अब की बार कितना इन्वेस्ट करूं? पर देखो ये 3000, 5000, 10000 से कुछ नहीं होगा। जो शर्मा जी का मैंने आपको बताया था ना 10 लाख रुपये, उनको मैंने कल ही दिए हैं 10 लाख के 20 लाख रुपये। मेरे को तो लग रहा है वो आपसे आगे चली जाएंगी। अब कब तक ये 5-10 हज़ार रुपये में रहोगे ये बताओ? कुछ बड़ा सोचो, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, कोठी, कार, बंगला, मेरे को तो लग रहा है वो ऐसे जाएंगे ऐसे। कब तक इन चीज़ों में रहोगे, कुछ बड़ा सोचो ना। बात तो आप सही कह रहे हो, वरना हम कहाँ इसी कनोली में रह जाएंगे, और वो पता नहीं कहाँ अमेरिका लंदन पहुँच जाएगी। मुझे कुछ तो करना चाहिए। अच्छा आप एक काम करो, आप ना 1 मिनट ही रुको, मैं अभी आई। भैया जी ये ना 2 लाख रुपए हैं, थोड़ा ना संभाल के रखना। वो क्या है ना, ये ना मेरे पति की सेविंग है, अगर उनको पता चल गया ना कि मैंने उनकी सेविंग ऐसे काम में यूज करी है, तो वो तो पता नहीं मेरा क्या ही हाल करेंगे। तो बस आप ना ध्यान से रखना। और वो तो मुझे पहले भी बोल रहे थे कि इसमें इन्वेस्ट मत कर, फ्रॉड है, पैसे लेके भाग जाएंगे, पर फिर भी मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मैंने आपकी बात पे यकीन करा है, मैंने आप पे भरोसा करा है। अरे बहन जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपने पति से ये बातें मत शेयर करा करो, उनके दिमाग में नहीं घुसती। और वैसे भी हमारी पॉलिसी है 10 दिन में पैसे डबल, आपको जल्दी से पैसे मिल ही नहीं सकते, 10 दिन में मिलेंगे, 10 दिन में आपके 2 लाख के 4 लाख रुपये। पर फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखना। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूँ ना, आपको जब शर्मा जी ने भेजा तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा ना। अब देखो मेरे को तो ऐसा लग रहा है शर्मा जी से आगे निकल जाओगे, 5 के 10 लाख, 10 के 20 लाख, करोड़ों में जाओगे।
ये तो सही है, कम से कम उससे आगे तो निकल जाऊँ, वो तो फिर भी अभी मुझसे आगे है, अभी तो मुझे और आगे निकलना है उनसे, इसलिए आप जल्दी जल्दी मेरे पैसे डबल करके मुझे देते जाओ। अरे मैडम टेंशन मत लो, चलो मैं चलता हूँ, मेरे को आगे भी जाना है, ठीक है? बहुत झूठ बोलती है मुझसे शर्मा जी, सच्चाई तो ये भैया बता के जाते हैं मुझे उसकी। हेलो हेलो मिसेस शर्मा जी, वो मुझे ना आपसे कुछ पूछना था, वो जो भैया नहीं आते थे जो पैसे डबल करके देते थे, वो इस बार आपके घर आए या नहीं आए? क्या इस बार वो मेरे घर पे भी नहीं आए? कहीं वो हमारे पैसे लेके तो नहीं भाग गए? मिसेस शर्मा जी अब मैं क्या करूँगी, 2 लाख लगा दिए थे और आपको तो पता ही है इनकी सेविंग्स वगैरह मैं करके रखती थी, मैंने तो वो भी लगा दी, अगर इनको पता चला ना तो ये तो मेरा बुरा हाल कर देंगे। इन्होंने तो मुझे पहले समझाया था कि मत पढ़ फ्रॉड है, पर मैंने ही नहीं सुनी, अब मैं क्या करूँगी? मिसेस शर्मा जी हमने गलती कर दी बहुत बड़ी, पैसे के लालच में आके हमने सारा कुछ खो दिया अपना। सही कह रही है आप, लालच बहुत बुरी बला होती है और हमें कभी नहीं पढ़ना चाहिए लालच में।